हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो अंदर। इस वीडियो के अंदर आपको मैं अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, साथ में रिव्यू दूंगा बोट रॉकर्स 550 का। ऑडियो क्वालिटी कैसी है, डिस्टेंस कैसी है, सब कुछ इसके अंदर मैं बताऊंगा। ये अपीरो रिटेल की तरफ से आता है, आप देख ही सकते हैं। इसके छोटे भाई बहन की वीडियो बना चुका हूँ, बोट रॉकर्स 400 की भी बना चुका हूँ, और ये 550 प्रो है इसकी बना चुका हूँ। आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो इसके कंपैरिजन में कैसे का ये भी बता दूंगा मैं। और इस तो बॉक्स को निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके का बॉक्स आता है, और टिपिकल बोट लिखा होता है। फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके की है इसके बॉक्स की। ये मैंने ब्लैक एंड ग्रे कॉम्बिनेशन वाला मंगवाया है ये। और बिल देख लेते हैं, तो साथ में प्राइस भी बताई देता हूँ आपको। तो ये पड़ा है मेरे को 1799, 1800 रुपये का पड़ा है ये, और 164 रुपये इस पर GST लगती है। तो इसको साइड में घेरते हैं और मेन बॉक्स को देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स है अपना, ग्रे कलर का है। यहाँ पे बोट लिखा हुआ है, बोट रॉकर्स 550 है। ये ऑन ईयर आते हैं, वो मैं कैसे बताऊंगा ये बताता हूँ। रिदम ऑफ निर्वाणा भी लिखा हुआ आता है, और ग्रे कलर के हैं, देख ही सकते हैं। यहाँ पे बोट लिखा आता है, ब्लूटूथ 5 वर्जन, 50 mm के ड्राइवर, 500 की बैटरी, 20 hours प्ले बैक, वो मैं बताऊँगा कैसे चलते हैं। एयरकॉनिक डिज़ाइन, नॉइज कैंसिलेशन, वो बताऊंगा। बाकी इसमें चाइना से इंपोर्ट किया हुआ है, और 5000 रुपये MRP इस पर लिखी हुई है, देख सकते हैं। और ये बैच 2022 का भी है, और इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि 10 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करना है, मतलब नॉर्मल जो भी चार्जर होता है उससे चार्ज कर लेना है। तो इसको निकालते हैं, इसमें टेपिंग निकली हुई है, तो इसको निकालते हैं और खोल के देखते हैं कि बॉक्स में अपने को क्या क्या मिलता है। तो सामने की तरफ कुछ इस तरीके का यहाँ पे बोट लिखा हुआ मिलता है ऊपर की तरफ कुशनिंग के साथ में, और हैवी है ये नॉर्मल वाले से। तो इनको निकाल के साइड में रखते हैं, बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे एक बोट का स्टिकर मिलता है, जो सारों के साथ ही मिलता है। एक ये पैम्पलेट मिलता है जिस पे बोट 550 लिखा हुआ है, और डेसिमल वैल्यू भी लिखी हुई है, पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर किसी काम देती है। 250 ग्राम इसका वेट है, मतलब थोड़े हैवी हैं ये। और इसके साथ में एक कैटलॉग आती है, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की इसमें अलग अलग प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है इनके, काफ़ी सारे जो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं इनके, इसको भी साइड में रखते हैं। और एक वारंटी कार्ड भी आ जाता है जिस पे कैरेट बनी की फ़ोटो लगी हुई होती है, स्कैन करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसको भी साइड में रखते हैं, और केबल चेक करते हैं क्वालिटी कैसी है, लेंथ कैसी है, सब कुछ चेक करेंगे, बताता हूँ मैं आपको। तो इसके अंदर एक कौन ये पहला ही आ गया कि इसके अंदर माइक्रो USB केबल मिलती है इसमें, और छोटी साइज़ की है, ज़्यादा लंबी नहीं है। और एक ऑक्स केबल मिलती है, ये सिल्वर प्लेटेड के साथ में ऑक्स भी लगती है इसके अंदर, और हल्की है, और काफ़ी 1.5 meter हाइट है इसकी लेंथ होगी। और मेन प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं, तो मेन प्रोडक्ट अपना कैसा निकलता है ये चीज़ देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का अपने पास प्रोडक्ट है यहाँ पे, और ये ग्रे कलर के अंदर आता है, देख सकते हैं। और भी डिज़ाइन मिल जाएंगे इसमें, काफ़ी सारे बोट यहाँ पे यूँ लिखा हुआ आता है इसके अंदर, पुराने वाला लोगो ही आता है, 550 के अंदर नया लोगो आता है। यहाँ पे टेक्सचर्ड प्रिंट बना हुआ है, और ये प्लास्टिक का है, और इसमें फैब्रिकेटेड यूँ डिज़ाइन बना हुआ है, दोनों तरफ ही सेम टू सेम ऐसा है, और हाथ लगाने में फील भी होता है इसका डिज़ाइन। और यूँ कुछ करके स्ट्रेच कर सकते हैं इसको, छोटे में तो आप पहन ही नहीं सकते। ऊपर कुशनिंग भर भर के आती है इसमें, कुशनिंग काफ़ी अच्छी भी तरीके से आती है, और एक अलग ही मटेरियल आता है जो कि ख़राब भी हो सकता है गलने पे, सर्दियों में जैसे गल जाता है वैसे। और ये यूँ साइडवेज मूव हो जाता है, जैसे 550 मूव हो जाता है वैसे ये मूव हो जाता है, बस ये फोल्ड नहीं होते हैं। और ये ओवर ईयर आते हैं, वो मैं बताऊँगा कैसे। और ये यूँ ऐसे हिलते रहते हैं, मतलब कान के हिसाब से आगे पीछे जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो आप। और यहाँ पे ये बटन आते हैं, तो ऑन करने पे कुछ इस तरीके की साउंड आएगी, आपको दिखा दूंगा मैं। और माइक्रो USB केबल और माइक और ऑक्स वाली भी मिलती है, तो ऑन करते हैं और लाइट कैसी जगती है तो वो देखते हैं। तो ऑन हो चुका है, पर दिन के टाइम में इसकी लाइट जग नहीं रही है, ब्लू कलर की लाइट इसमें ब्लिंक होती रहती है। और ऑन ईयर का मतलब पूरे कान इसके अंदर कवर हो जाते हैं। और ये कुशन इसका निकाल सकते हो आप, इसको धो सकते हो, कमेंट करके बता देना वीडियो बनानी है तो। 400 का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, और 450 का भी मिल जाएगा आई बटन में ही। तो ऑडियो क्वालिटी कुछ इस तरीके की है कि इसमें शार्प ऑडियो आती है, और जब वोकल्स वगैरह शार्प आते हैं, बेस इतना हैवी नहीं आता है इसके अंदर। 400 के अंदर बेस काफ़ी हैवी आता है, और 450 एकदम बैलेंस्ड है। और ये 550 मतलब इतना कुछ खास नहीं है, वोकल्स वगैरह एकदम शार्प आती है इसकी। और बैटरी इसकी बता देता हूँ, तो 2-3 दिन आराम से चल जाती है इसकी, और 2-1 घंटे में फुल चार्ज भी हो जाता है ये। और इसमें SBC कोडेक आता है, और इसके अंदर ऑक्स के साथ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, 1C ऑडियो क्वालिटी बनती है इसके अंदर। और इसकी 20% बैटरी होता है, ये बोलने लग जाता है कनेक्ट टू चार्जर, मतलब 20% होता ही आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। 450 और 400 के 10% की रेंज थी, और 20% इसकी है। और इसके अंदर
कॉल क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और माइक की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है इसकी, एकदम बढ़िया तरीके से आवाज़ वगैरह जाती है और आती है, कॉल पे भी बात हो सकती है बढ़िया तरीके से। और ये 100% नॉइज़ कैंसिलेशन तो नहीं मिलती, 100% वॉल्यूम पे सुनने पे इसमें आवाज़ बाहर जाती है अगर आप एकदम साइलेंस में सुन रहे हो। और कंफर्टेबल है पहनने में 450 और 400 के कंपैरिजन में, बाकी इन तीनों के अंदर 450 एकदम बढ़िया है और ये प्राइस ही महंगा है, इसमें बाकी कुछ नहीं मिलता, ओवर ईयर मिलता है बस इतना ही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना।